शिवापत्यम एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष जनाब डॉक्टर शारिफ रुदल्व जी, उर्दू के मशहूर लेखक शमसुरान फारूकी जी, उर्दू राइटर्स फोरम के संयोजक डॉक्टर वकार रिजवी जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस पी सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व एक्टिंग मुख्यमंत्री जनाब डॉक्टर अम्मार रिजवी जी, उर्दू अंजुम बरेली के अध्यक्ष जनाब आरिफ नकवी जी, शोआ फतेहा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष जनाब डॉक्टर यास्मीन अंजुम जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के प्रमुख और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अब्बास रजा नैयर जी, जिनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वर्ष 2015 के जनाब इकबाल मजीद जी, वर्ष 2016 के जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ जी, वर्ष 2017 की मोहतरमा डॉक्टर तरुन्नम रिया जी, आमंत्रित मेहमान, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों, जब राज्यपाल कोई कार्यक्रम के लिए आने का सोचा जाता है तो राज्यपाल के ऑफिस से जो संयोजक होते हैं उनसे मिनट टू मिनट प्रोग्राम मांगते हैं ताकि पता चले कि कब कार्यक्रम शुरू होगा, कब कार्यक्रम समाप्त होगा और बोलने वालों को कितना समय है। तो मुझे बोलने के लिए खड़ा होना चाहिए था 5 बजे और मेरा भाषण समाप्त होना चाहिए था 5:30 बजे। आपके घड़ी में क्या बोल रही है वह आप देख सकते हैं और मुझे भी आगे के कार्यक्रम में जाना है, लेकिन बहुत प्रसन्नता है कि एक ऐसा माहौल यहाँ पर बन गया है कि घड़ी कैसे तेज़ी से जा रही है इसका ही पता नहीं चल रहा था। और ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शिवा प्रतिमा एजुकेशनल ट्रस्ट को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। अब मुझसे आप शिवा फतिमा का बारे में जानते हैं और केवल 20 साल की उम्र में किसी का मृत्यु होना कोई भी परिवार के लिए बहुत बड़ी दुख की बात होती है और ये माना भी जाता है और बात सही भी है कि माता पिता को सबसे बड़ा दुख देने वाली कोई घटना होती है तो उनके होते हुए उनका लड़का या लड़की जाना ये बहुत पीड़ा की बात होती है। लेकिन ऐसी पीड़ा होने के बाद और यही यात्रा में पत्नी का निधन होने के बाद जिस प्रकार से यह डॉक्टर शावी अदौजी जी ने ट्रस्ट चलाया है, काम हो रहा है, इसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ और कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ। नहीं तो पीड़ा तो होती है लेकिन पीड़ा के बाद उसका आगे का रास्ता क्या है, वो आगे का रास्ता पहले दोनों ने मिलकर सोचा था और वो अकेले और नए साथीदार जोड़कर कर रहे हैं और इसलिए ऐसे समय पर मैं उनके पत्नी को, उनकी लड़की को स्मरण श्रद्धांजलि देता हूँ और चाहता हूँ कि ये जो काम उन्होंने प्रारंभ किया है वो इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाए। और ये काम करते समय भी कई प्रकार होते हैं, कई तरीके से आदमी समय बिताता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, लेकिन ऐसे समय पर शिक्षा जगत के लिए काम करने का
जो उन्होंने प्रारंभ किया वो अपने आप में अभिनंदनीय है और अनुकरणीय भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज का दिवस कार्यक्रम के लिए अपने आप यही तारीख हो गई या योजनापूर्वक आज का दिवस चुना गया, मुझे मालूम नहीं है। क्या अपने आप में तारीख हुई आज की तारीख? क्योंकि ये बात एक ऐसा आज का दिन है और आज के दिन में उर्दू के बारे में इस प्रकार की चर्चा होना, उसमें रामनवमी के जन्मदिन पर यहाँ आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो रही है। क्योंकि राम केवल प्रभु नहीं था, तो राम एक आदर्श राजा भी था, आदर्श पुत्र भी था, आदर्श पति भी था, आदर्श मित्र भी था, और आदर्श राजा के तहत सारी दुनिया में, और महात्मा गांधी जी ने तो आज़ादी के बाद ये शब्द में कह दिया था कि मैं केवल यही चाहता हूँ कि अब हिंदुस्तान में राम राज्य हो जाए, राम राज्य जैसे काम होगा, ऐसे महात्मा जी ने अपेक्षा की थी। ऐसे दिन पर मैं आप सब की ओर से प्रभु राम को भी प्रणाम करता हूँ। अब ये कार्यक्रम तो ऐसा साहित्यिक कार्यक्रम है, और साहित्यिक कार्यक्रम में फिक्शन लिखने वालों का सत्कार, फिक्शन लिखने वाले का भाषण, मैं तो सच भी नहीं लिख सकता हूँ, ऐसी मेरी हालत है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सच लिखना आसान है क्योंकि अपने को मालूम होता है, लेकिन ये फिक्शन लिखना ये बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। ऐसा मुश्किल काम जिन्होंने किया, उसका पहला कार्यक्रम आज यहाँ पर होना, यह अपने आप में बहुत तारीफ करने जैसा है। और इसलिए मैं ये ट्रस्ट को अभिनंदन करता हूँ, और एक नहीं दो नहीं तीन लोगों को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है, उसके नाम आपके सामने आए हैं, उनको हमने पुरस्कार भी दिया है। लेकिन मैं जब ये पहले व्याख्यान की बात सोच रहा था कि, और ये पहले ही दिन पर पहले ही कार्यक्रम में तीन शख्सियत को इस प्रकार का पुरस्कार देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जब कोई पहला कार्यक्रम होता है और वहाँ मैं जाता हूँ तो हमेशा मैं एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करता हूँ। संस्कृत श्लोक में पूछा गया है कि विद्वान किसको कहा जाए, विद्वान की व्याख्या क्या है और कैसे उनको समझाया जाए। तो वह श्लोक संस्कृत का कहता है कि विद्वान कैसे हैं, अनारंभो ही कार्याणाम प्रथमम बुद्धिलक्षणम। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण ये है कि कोई भी काम शुरू ही नहीं करना। अच्छा लगता है, हम सब बुद्धिमान हो जाएंगे कि कोई भी काम शुरू नहीं किया तो हम बुद्धिमान बन गए। और दूसरे पंक्ति में वो आगे कहते हैं कि प्रारंभस्य अंतगमने द्वितीयम बुद्धि लक्षणम, लेकिन एक दफे शुरू किया तो उसको आखिर तक ले जाना ये बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। और मुझे विश्वास है कि आज ये शुरू हो रहा है, आगे भी निरंतर हर साल इस प्रकार का व्याख्यान का आयोजन होगा। और मैं अगले साल यहाँ यदि हूँ, आप कुछ बात कह रहे थे, मुझे आपको भी मालूम होना चाहिए कि 5 साल के लिए मेरी नियुक्ति हुई है, अब केवल ये तीसरा साल चल रहा है, तो अगले साल में मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, कोई चिंता करने का कारण नहीं है। ये दिल्ली की बात कर रहे हैं, अब उनके मन में क्या है मैं तो नहीं समझ सकता हूँ कि बड़े यहाँ के बुजुर्ग इस प्रकार के और कांग्रेस के नेता रहे हैं, तो मालूम नहीं है उनके मन में क्या है। लेकिन जिस प्रकार का
विद्वत्तापूर्ण भाषण प्रमुख वक्ता शम्सुर्रहमान फारूकी ने दिया। मैं उसमें से हो सकता है तो 30-40% ही समझ पाया हूँ, लेकिन हाँ अभी क्या करूँ, सब उर्दू शब्द आसानी से समझ में नहीं आ रहे थे। 2 साल के पहले 2-4 शब्द मुश्किल से मेरे मुंह से आ जाते थे उर्दू के, लेकिन अब समझने लगा हूँ। और जिस प्रकार की बात उन्होंने कही, और जैसे मैंने कहा कि फिक्शन राइटिंग ये बहुत मुश्किल इस प्रकार का काम है, इतिहास लिखना बड़ा आसान होता है लेकिन इतिहास बनाना भविष्य में बड़ा मुश्किल होता है, उसी प्रकार ये फिक्शन लिखना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। और जैसे मैंने कहा, मुझे तो सच लिखना भी नहीं आता है, मतलब लिख सकता हूँ मैं लेकिन लिखना नहीं आता है। और एक किताब मैंने मुश्किल से लिखा, और वो किताब भी वो चरैवेति की जो बात कर रहे थे, बड़ो 1 साल उसका आर्टिकल्स चल रहा था तब वो किताब बन गया। और इसलिए ये किताब लिखने के या ऐसे साहित्यिक भाषण करने के झमेले में मैं कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ साहित्य की चर्चा होती है वहाँ जाकर उसका आनंद लेने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए देरी हो गई है तो भी मैंने सोचा कि आगे कार्यक्रम वाले समझेंगे, ये उर्दू वालों का कार्यक्रम है, राज्यपाल ने यदि मिनट टू मिनट की बात की होगी, लेकिन राज्यपाल की बातें सब लोग थोड़े ही मानते हैं। इस भूमिका में मैं आगे के कार्यक्रम में जाकर कहूँगा भाई मैं इसके कारण देरी से हुआ। एक बात इसमें बहुत अच्छी लगी वो ये है कि लड़कियों के लिए उन्होंने इंटर कॉलेज प्रारंभ किया, 1100 तक लड़कियां यहाँ पढ़ रही है। और लड़कियों के पढ़ाई में और लड़कों के पढ़ाई में क्या अंतर है, यह डॉक्टर राधाकृष्णन जो अपने पूर्व राष्ट्रपति भी रहे और बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने उसका अंतर कहा था। उन्होंने ये कहा था कि एक लड़का जब शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़की शिक्षित होती है तो सारा परिवार शिक्षित हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के लड़की का जो प्रशिक्षण चल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी वैसे देखा जाए तो 29 विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी चांसलर हूँ, उसमें सरकार की ही ये विश्वविद्यालय है। अभी अभी गए कुछ सालों में प्राइवेट विश्वविद्यालय भी शुरू हो रहे हैं और केंद्र सरकार के भी विश्वविद्यालय हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि शिक्षा यह विषय केवल सरकार पर यदि छोड़ दिया तो ठीक ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती नहीं है, और इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लड़कियों के देने का जो काम यहाँ पर हो रहा है बहुत बहुत अभिनंदन मैं करना चाहता हूँ कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस इंटर कॉलेज में यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये बात कब की, अब तो रोज़ हम पढ़ते रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस समय पर यह बेटियों को पढ़ाने का काम शुरू करना यह कितने कठिनाई का था, और उसमें भी उर्दू वालों में कितने कठिनाई का था ये मैं मानता हूँ कि मुझसे आप लोग अधिक जानते हैं। कि कहते हैं ना कि जो जूता पहनता है उसको वो जूता कहाँ चुभता है उसका पता चलता रहता है, और इसलिए आप लोगों को उर्दू वालों को उर्दू में लड़कियों की पढ़ाई करना कितना मुश्किल काम है यह उस समय जब शुरू उन्होंने किया और आज जो स्थिति है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की स्थिति
मैं 29 विश्वविद्यालयों का कुलपति हूँ, मैंने जब कहा, मैंने 1954 में बीकॉम की परीक्षा पुणे में पास की, 1954, मतलब अब 62 साल पूरे हो गए। उस समय पर हमारे क्लास में 150 स्टूडेंट्स थे और उसमें केवल 4 ही लड़कियां थी। मतलब पुणे जैसे शहर जिसको माना जाता है कि विद्या की वो महानगरी है, ऐसे पुणे में हमारे समय पर केवल 4 लड़कियां हमारे क्लास में थी, जब कुल मिलाकर 150 विद्यार्थी थे। ये करते करते अब इतने सालों में इसमें एक परिवर्तन आ रहा है, और ये परिवर्तन कितना आ रहा है यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आखिर जब हम कहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, तो 29 महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, कई विश्वविद्यालय हैं, यानी अभी अभी इस साल में हमारे सभी दीक्षांत समारोह पूरे हुए, केवल एक का आने वाले सप्ताह में होने वाला है, शकुंतला मिश्र का, बाकी सबके दीक्षांत समारोह पूरे हुए हैं। तो देखने के लिए ये मिला कि कई विश्वविद्यालयों में अब लड़के और लड़कियों की डिग्री पाने वालों की संख्या ये लगभग बराबरी की है, यानी 50% आबादी में महिला है, तो कॉलेजेस में भी 50% तक लड़कियां है, और कुछ कोर्सेस में तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा है। इस प्रकार की स्थिति आ रही है, एक दृष्टि से देखा जाए तो वह बहुत अच्छा है। और ये अच्छे स्थिति में एक और बात ख्याल में आई, वो यह है कि लड़कियां लड़के अब उर्दू चित्सी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में भी गए, सप्ताह ही हम दीक्षांत समारोह के लिए गए थे, वहाँ जिनको डिग्री मिली उस डिग्री में लड़कियों का परसेंटेज 19 था, तो इसका मतलब है लड़के बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ थे। यह भी एक बता देता है कि उर्दू में जितने लड़कियों ने जाना चाहिए आगे के पढ़ाई के लिए, यह नहीं हो रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देने का काम ऐसे स्कूलों के जरिए, कॉलेजेस के जरिए होता रहता है। लेकिन और उसमें एक बात मैं बता देता हूँ कि लड़कियाँ 19% डिग्री प्राप्त करने वाली थी, लेकिन जब मेडल देने की बात आई तो 50% मेडल लड़कों को और लड़कियों को 50%, मतलब बराबरी से मेडल जो है वो लड़कियों ने प्राप्त किए। इस प्रकार की प्रगति समाज में हो रही है, और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि पहले कभी 8-10 साल के पहले ऐसा कार्यक्रम यहाँ होता होगा तो मैं नहीं मानता कि इतनी महिलाएं या इतनी लड़कियाँ आज जो यहाँ सामने दिखाई देती है उतनी होगी। तो शिक्षा बढ़ रही है, उसकी गुणवत्ता और बढ़ाने की आवश्यकता है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पुरुष बैठे हैं, वह कभी कभी इधर उधर अपने साथियों के साथ बातचीत करते हुए, या अपने पास मोबाइल है तो मैसेज किसका आया है क्या, वो देखते देखते यहाँ से सब पता चलता है ना, क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो अच्छे भाषण करने वाले इन लोग थे, जब नैयर हो जो ढंग से वो बोलते हैं उस समय पर, या बाकी के भी वक्ताओं ने जिस प्रकार से अपने विचार रखे, तो एकाग्रता से सुनने वाले महिलाओं की संख्या यह मुझे ज़्यादा दिखाई दी। यह एक दृष्टि से देखा जाए तो यह शुभ चिन्ह है, और जब बराबरी से महिला आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ सकता है, ऐसा काम यहाँ पर हो रहा है, बहुत अच्छा लगा, और इसलिए मुझे थोड़ी भी मन में पीड़ा नहीं है कि आज का कार्यक्रम थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन जो मैं खुशी यहाँ से लेके जाऊँगा वो मुझे आने वाले दिनों में अधिक काम करने की प्रेरणा देगी।
और ऐसा काम करने का आयोजन करने के लिए मैं फिर एक दफ़े संयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि उर्दू की जो गति है और ज़ोरदार गति से आगे बढ़े, और केवल रिकॉर्ड के लिए, वह उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है, यह रिकॉर्ड के लिए, वास्तव में उस प्रकार का उपयोग नहीं हो रहा है। जब मैंने राजभवन के दरवाजे पर, क्योंकि राजभवन के दरवाजे पर गेट नंबर ही नहीं लिखे गए थे, तो मुझे लगा कि हमारे जो कर्मचारी है वह कोई फ़ोन करता है तो बताते रहते हैं कि भाई गेट नंबर 2 पर आओ। तो फिर मैंने एक दफ़े हमारे सिक्योरिटी वालों को पूछा, तो ये गेट नंबर 2 कहाँ है, मुझे बताओ तो सही, क्योंकि 1.5 साल होने के बाद भी मैंने गेट नंबर 2 का कोई बोर्ड नहीं देखा। और जब मैं घूमा राजभवन के सभी दरवाजे पर, तो मैंने तय किया कि चलो हर दरवाजे पर गेट नंबर जो कौन सा है वो लिखेंगे। तो मैंने कहा भाई आप बोर्ड अच्छा तैयार करो, मुझे डिज़ाइन दिखाओ। तो उन्होंने अच्छा बोर्ड का डिज़ाइन बनाकर मेरे सामने लाया और अच्छे ढंग से राजभवन लिखा था, फिर अंग्रेजी में भी राजभवन लिखा था। वो अंग्रेजी में राजभवन के कुछ लोग स्पेलिंग RAJBHAWAN करते हैं, तो कुछ BHAVAN करते हैं। मैंने बोला भाई कम से कम राजभवन में तो स्पेलिंग एक करो, लेकिन मैंने वो जो बोर्ड था वो पसंद नहीं किया। और मैंने उनको, आपको मालूम है क्या कि उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा उर्दू है? हाँ बोला, मुझे मालूम है। तो मैंने बोला नाम लिखो ना उर्दू में उसमें राजभवन करके, और राजभवन करके मैंने उर्दू में नाम लिखवाया। तो मुझे कईयों के फ़ोन भी आए, पत्र भी आए कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये मैंने इसलिए बताया कि भाषा हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, गुजराती हो, भाषा ऐसी चीज़ है कि लोगों को जोड़ने का काम करती है, और ऐसा जोड़ने का काम उर्दू भाषा की दृष्टि से यहाँ आज हुआ। बहुत बहुत अच्छा लगता है इन शब्दों के साथ फिर एक दफ़े जिनको पुरस्कार मिला है उनका अभिनंदन, जितना सुंदर भाषण देने के लिए प्रमुख वक्ताओं को भी धन्यवाद, और यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत।